हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, मुझे UTL के SMU का उपयोग करते हुए लगभग फ्रेंड एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो UTL SMU का होनेस्टी रिव्यू दूंगा फ्रेंड, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एक साल में UTL SMU के साथ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फ्रेंड UTL SMU है, इसकी सहायता से आप आपके एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्रेंड, मेरी एडवाइस है कि आपको चार्ज कंट्रोलर की जगह हमेशा SMU मतलब सोलर मैनेजमेंट यूनिट ही खरीदना चाहिए, यदि आपके पास इन्वर्टर है। और ये आपके पास इन्वर्टर नहीं है, केवल DC लोड चलाना है, तो आप चार्ज कंट्रोलर पर जा सकते हो। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। तो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो UTL का SMU है फ्रेंड, इसका रिव्यू करने वाले हैं। और मुझे उपयोग करते हुए लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। और फ्रेंड, मैंने इसको काफ़ी इस पर प्रैक्टिकल किए हैं और बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रेंड इस पर चार सोलर पैनल लगाए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक पैनल 165 वाट का है। और फ्रेंड, जो मेरा पूरा सोलर सिस्टम है फ्रेंड, वो 660 वाट का सोलर सिस्टम है। और फ्रेंड, मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इस सोलर सिस्टम के साथ देखिए फ्रेंड, मैंने 6 mm का DC वायर यूज़ किया है। और फ्रेंड, UTL SMU की सहायता से मेरे एक नॉर्मल इन्वर्टर को मैंने एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। तो फ्रेंड, इसके बारे में मैं जो भी मेरा रिव्यू रहा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं हम UTL SMU की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाएगी। और फ्रेंड, जो मेरा UTL का SMU है फ्रेंड, ये PWM SMU है, जिसमें कि 40 एम्पीयर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। और फ्रेंड, इसमें सबसे अच्छा मुझे लगता है इसमें डिस्प्ले है, जिस पर ये सारी डिटेल दिखाता है कि देखिए। और जो मेरा एक नॉर्मल इन्वर्टर है, माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, इसको हमने इस SMU की सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। और फ्रेंड, यहाँ पे कनेक्शन भी आप देख सकते हो, इन्वर्टर का कनेक्शन, इन्वर्टर के वायर लगे हुए हैं बैटरी पर, और SMU से भी जो वायर लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है इसके। यहाँ पे बैटरी के वायर लगाने हैं और यहाँ पे आपको सोलर के वायर लगाने हैं। तो फ्रेंड, बैटरी आपके इन्वर्टर तथा SMU दोनों से कनेक्ट होगी, और यहाँ पे हमें इन्वर्टर को AC इनपुट देना है SMU से, और मेन सप्लाई से SMU को इनपुट देना है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड, और यहाँ पे देखिए इसकी डिस्प्ले है, इस पर सारे पैरामीटर ये दिखाता है। देखिए सोलर चार्जिंग स्टेटस, बैटरी ऑब्जर्वेशन में मतलब 80% से कम चार्ज। तो फ्रेंड, जो यूनिट है ये थोड़ी सी ज़्यादा दिखाता है, बहुत ही मतलब क्या है, जितनी यूनिट जनरेट होगी उससे ज़्यादा ही दिखाता है ये। और देखिए बैटरी के वोल्टेज और एम्पियर दोनों दिखा रहा है, 8.7 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, और जो सोलर से वोल्टेज और एम्पियर आ रहे हैं वो भी फ्रेंड ये डिस्प्ले पर दिखाता है। और मोड देखिए, इसमें दो मोड है, एक ऑटो मोड है और एक मैनुअल मोड है। फ्रेंड, ऑटो मोड में ऑटोमेटिक जब सूरज उगता है तो बैटरी एक निश्चित वोल्टेज तक चार्ज होने के बाद मेन सप्लाई को कट कर देता है, उसके बाद सोलर से आपका लोड चलता है, सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होती है। जब फ्रेंड शाम को सोलर चला जाता है तो एक निश्चित वोल्टेज पर आने पर आपकी जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, तथा ग्रिड से आपका लोड चलता है और ग्रिड से ही आपकी बैटरी चार्ज होती है। इस प्रकार फ्रेंड ये काम करता है। और यहाँ पे देखिए इसका डिस्प्ले है, देखिए डिस्प्ले में और भी मेन एब्सेंट दिखा रहा है, देखिए अभी बाईपास ऑफ है। और यहाँ पे देखिए सोलर चार्जिंग स्टेटस ऑन है, और बैटरी ऑब्जर्वेशन में 4 स्टेज में बैटरी चार्ज करता है, बल्क ऑब्जर्वेशन, फ्लोट और इक्वलाइजिंग। इक्वलाइजिंग फ्रेंड महीने में एक बार करता है, जिससे आपकी बैटरी की ग्रेविटी बन रहती है। फ्रेंड बहुत ही अच्छा SMU है, खरीद सकते हो आप, बेशक बहुत अच्छा।